मैं हूं अभिनव। अभी बड़ी खबर कोटा से मिल रही है। जेके लोन अस्पताल में नवजातों की मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 18 हो गया है। पहले 13 नवजातों की मौत हुई थी, वहीं अब 5 शिशुओं की और मौत हो गई है। दरअसल आज पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर समेत भाजपा के 4 नेता अस्पताल के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान जेके लोन के अधीक्षक ने यह सच सामने रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 नवजातों की मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 18 हो गया है। 5 शिशुओं की मौत हुई है, 13 पर यह आंकड़ा पहुंचा हुआ था। केके हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। केके, क्या हो गया है जेके लोन अस्पताल को? तमाम कोशिशें हो रही हैं, दलीलें हैं, सफाई है, लेकिन मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल अभिनव, देखिए आपने सही कहा कि जिस एक तरफ सियासी दौरे हैं जो वो बढ़ते जा रहे हैं, तो साथ ही जेके लोन में नवजातों की मौत का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी आंकड़ा बढ़कर के 18 हो चुका है। बीजेपी के पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौर ने जब यह दौरा किया तो अस्पताल अधीक्षक ने स्वयं उनको पूरा आंकड़ा बताया। 13 की मौत के बाद में प्रथम जो पहला दिन था 13 मौत हुई, उसके बाद 5 मौतें और हुई, यानी कि कुल 18 मौतें अब तक हो चुकी हैं 2 दिनों के अंदर। तो ऐसे में अब पूरा तरीके से जो हड़कंप है वो मचा हुआ है। तमाम दौरे की किए जा रहे हैं, साथ ही जो मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर है वो भी दौरा कर चुके हैं। राज्य निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उन्होंने भी दौरा किया। सफाई को लेकर के भी यहाँ पर बात सामने आई, साथ ही गंदगी का लगातार जो अंबार है, साथ ही स्टाफ की जो कमी है, ये जो तमाम विषय जो है वो अभी तक के दौरे हैं उनके अंदर निकल करके आई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में जो स्टाफ की राशन था वो भी कई जगह सामने आई। खुद भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि कुछ परिजनों ने बताया कि वो गिड़गड़ाते रहते हैं और किसी के कान पर जूं तो गए, ऐसे में वहां पर लापरवाही भी जो है स्टाफ की वो भी सामने आई है। संसाधनों की कमी जो है वो भी सामने आई। बता दे रहा है 30% के करीब जो संसाधन है वो यहाँ पर जो खराब है, लेकिन उनको अभी तक कहीं सही नहीं कराया गया। और ये जो सीन था ये पिछले साल भी, अपना अगर आप फ्लैश बैक में जाएंगे तो आपको याद होगा कि पिछले साल भी तकरीबन यही सीन था, इसी तरीके का आरंभ यहाँ पर हुआ था। तमाम दौरे हुए थे लेकिन सुधार जो है वो अभी तक किसी तरीके से हुआ दिखाई नहीं जा रहा है जेके अस्पताल में फिलहाल। ठीक है, सवाल ये भी जैसा आप भी बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली, और जेके लोन अस्पताल जो है हमेशा नवजातों की मौत को लेकर सुर्खियों में रहा है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, एक बार फिर से इतने सारे बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि अगर पिछली घटनाओं में सख्त कार्रवाइयां हुई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता? और जो लोग वहां पर पहुंचे थे, संगीता बेनीवाल से लेकर बीजेपी के तमाम जो नेता पहुंचे थे, ऑब्जर्वेशन उनका क्या कुछ रहा, खामियां उनको नजर कहां पर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभिनव, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर पिछली जो कमियों पर ध्यान दिया जाता है, उन पर एक्शन लिया जाता तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां शायद देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक बार जब इस तरीके के सीन सामने आते हैं तो कमेटियां बना दी जाती है, सियासी दौरे भी होते हैं, मीटिंगों की बात भी होती है, आउटकम्स भी आते हैं, लेकिन इसके बाद में जो परिणाम है वो जिसका तय चलता है ढाक के वो 3-5 वही स्टेज वहीं पर आकर हो जाती है, क्योंकि जो चीजें सामने आती है उनके बाद उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता, उन पर गौर नहीं किया था, उनको योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रमित नहीं किया था। और इसी की जो तस्वीर वो भी यहाँ पर निकल कर आई है, और इसी की वजह से 18 जो नवजातों की मौत हुई है, एक बार फिर सियासत शुरू हुई है। अभी भी खामियों की रात जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही एक चीज और अभी बताना चाहूंगा, ग्रामीण इलाके से महिलाएं रहती हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग की जो बात सामने आई है तो महिलाओं को अज्ञानता है, उसकी ट्रेनिंग जो है वो पिछले साल भी बात ये निकल करके आई थी कि ब्रेस्ट फीडिंग के महिलाओं को ट्रेन किया। बिल्कुल, कई तरह की समस्याएं हैं और उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस तरह की स्थितियां बनी रही तो आने वाले समय में जेके लोन अस्पताल कम और मौत का जो अस्पताल है वो ज्यादा कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।